तो दोस्तों एक नए वीडियो के साथ मैं निशांत चतुर्वेदी आपका अपने चैनल दराज धर्म पे स्वागत करता हूं। दोस्तों भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। दिल्ली हाईकोर्ट से उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई और उसके बाद उन्हें माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी उन्हें कोई राहत मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि संवैधानिक पद की शपथ लेने वाले वह नेता अब CBI और ED से छुपते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देश की बड़ी जांच एजेंसियां हैं, अगर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पहुंच रही हैं तो वह अपने घर पे नहीं मौजूद हैं, उनका मोबाइल फ़ोन बंद है। क्या क्या मैसेज जा रहा है पूरे देश को, चलिए इसी विषय पर हम बात करेंगे। हमारे साथ लॉ फैकल्टी के लॉ स्टूडेंट हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं। सर ये बताइए, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं P.Chidambaram और ये भाग रहे हैं वो पूछताछ से। देखिए जहाँ तक हमको सूचना है, जो भी हम न्यूज़ जान रहे हैं उसमें है कि कल रात को जो उनकी निवास है जोरबाग, वहाँ पर दिल्ली में जो जोरबाग उनका निवास है, कल ED और CBI की रात को दो बार छापा पड़ी है, जो कि वो निवास पर है नहीं, 15 घंटा से वो फरार चल रहे हैं और वहाँ उनके जगह जहाँ रह रहे हैं निवास स्थान पर नोटिस लगा दिया है कि आप 3 घंटे के अंदर अपने आप को सरेंडर कीजिए, नहीं तो आप पे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में इनकी सुनवाई होने वाली है, देखिए क्या होता है इस पर देखा जाएगा। लेकिन जहाँ तक बात है अपनी संविधान का, वो अपनी हत्या ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कि खुद शपथ ले रहे हैं कि समानता होना चाहिए, हर चीज़ में ऐसा होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन ये खुद नहीं कर पा रहे हैं। तो एक आम आदमी से आप कैसे रख सकते हैं कि नहीं हो सकती है। कुछ दिन पहले ही बहुत सारे मुद्दों पर, देश के गंभीर विषयों पर केंद्र सरकार को उन्होंने घेरा था। अगर बात कर ली जाए अर्थव्यवस्था की या फिर अनुच्छेद 370 को हटाने की, तो जमकर विरोध उन्होंने भी किया था। तो क्या इससे क्या मिलेगा उन्हें? देखिए वो विपक्ष में है, उनको जाहिर से विरोध करना है, लेकिन विरोध उस ढंग से कीजिए कि आपको देश हित में होना चाहिए। विरोध ऐसा ना कहिए कि दो देश हित में नहीं हो। अभी कांग्रेस के मुख्य जो अग्रसर नेता हैं उन्होंने 370 पर विरोध किया है, लेकिन 370 मतलब उनको ये समझना चाहिए कि मतलब देश हित में है कि नहीं है, क्योंकि आप पार्टी पॉलिटिक्स बाद में है, राष्ट्र धर्म सबसे ऊपर है। इसलिए इनको ध्यान देना चाहिए कि राष्ट्र धर्म है तभी पार्टी है चाहे पॉलिटिक्स है, नहीं है तो कुछ नहीं है, इनको इतना समझना चाहिए। बिल्कुल, संविधान पद की शपथ लेने वाले वह नेता हैं। सर क्या मैसेज जाएगा पूरे देश में जिस तरीके का वो ईडी और CBI से छुपते हुए नजर आ रहे हैं? सर मेरे कहने का मतलब यह है कि देखिए वो खुद एक बार एक गृह मंत्री रह चुके हैं, वित्त मंत्री रह चुके हैं, उनको खुद संविधान मालूम होना चाहिए। वो खुद छुप के भाग रहे हैं, संविधान से अलग हट रहे हैं, संविधान को वो कहते हैं कि संविधान, इस सरकार संविधान की हत्या करे, वो खुद छुप क्यों रहे हैं? जी कहने का मतलब ये है कि मेरे कि जब वो खुद इतने बड़े पद पर रह चुके हैं, संविधान के वो एक बार गृहमंत्री रह चुके हैं, गृहमंत्री देश का दूसरा सबसे सर्वोच्च पद होता है, लेकिन फिर भी वो ईडी और CBI से छुप के भाग रहे हैं। देखिए क्या अब ये माना जाए कि राहुल गांधी रॉबर्ट वाड्रा की अब अगली बारी है, जिस तरीके का अब शिकंजा कसता हुआ नज़र दिखाई दे रहा है कांग्रेस पार्टी पर? देखिए भारत में जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है एक रूल ऑफ लॉ के तहत होती है, उनको इस मामला में कॉपरेट करना चाहिए, क्या है नहीं है जनता के सामने सच्चाई आना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात होती है कि आप जब ED और CBI उन पर शिकंजा कस रही है तो वो अपने निष्पक्ष रूप से अपने पक्ष को रखे, और क्या सही है और क्या गलत है यह जानने का अधिकार है, क्योंकि एक संवैधानिक, आप इतने ऊंचे संवैधानिक पद पर रहे हैं कि आप एक नज़ीर बन जाए कि जनता भी लॉ का पालन करे, और ये जब आप ऊंचे पदाधिकारी और नेतागण लॉ का वायलेशन ऐसे करेंगे कि वह भागते फिरेंगे तो कैसे जे समाज में लॉ का विश्वसनीयता बढ़ेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है या बेल देंगे या जेल होगा, यह तो सुप्रीम कोर्ट का मैटर है, उस पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए उनका। देखिए आज फैसला आने वाला है। देखिए हर बात पर कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखते हैं रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने इस बात पर कहा कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का केंद्र सरकार का CBI और ED पर शिकंजा है, यानी उनके इशारे पर CBI काम कर रही है, ED काम कर रही है। क्या मतलब आप एक तो दोषी में हैं, दोषी की वजह से आप सामने भी फेस भी नहीं कर रहे हैं और ऊपर से देश की जाँच एजेंसियों पर ही सवाल उठा रहे हैं? देखिए किसी भी एजेंसी को आप पूर्ण रूप से नहीं कह सकते हैं कि सरकार, क्योंकि आप भी तो कुछ दिन सरकार में थे, तो आप इन पर करें तो आप भी मान लीजिए कि 60 साल थे तो आप पर भी उनका CBI का था, तो खुद पर देखिए आपको खुद पता चल जाएगा कि नहीं कि CBI उनके कंट्रोल में है कि नहीं कंट्रोल में है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि जितनी भी भारत की एजेंसियां हैं वो स्वतंत्र रूप से अपनी काम कर रही हैं और अच्छा कर रही हैं, चाहे BJP हो, ऐसा नहीं है कि BJP जिसके नहीं उन पर नहीं कर रही हैं, BJP वाले अगर किए हैं तो उन पर भी कर रही हैं। इंडिपेंडेंट कोई भी इंस्टीट्यूशन लॉ के अंतर्गत काम करती है, ऐसा नहीं कह सकते कोई पार्टी पॉलिटिक्स के एजेंडा लेकर चल रही है, उसको एक जवाबदेही है, वह कैसे है वह प्रूफ करना पड़ता है।
सबसे बड़ी बात है कि दो जब तक व्यक्ति को दोष सिद्ध नहीं होता वह दोषी नहीं माना जाता, तो सबसे पहले उनका अपना पक्ष रखना चाहिए कि आए वो अपना पक्ष को रखे, और क्या वह पक्ष जो ईडी द्वारा लगाया गया है जो है उसमें कुछ सबूत देंगे, ऐसा है कि कुछ उनका जांच होगा उसके बाद उनको सजा होगा, लेकिन पहले ही अगर ऐसे मांगे तो आम जनता क्या समझेंगे कि पहले से यह दोषी है, इसलिए फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी की कमान संभाली सोनिया गांधी ने। निश्चित तौर पर उन्होंने ये बात साबित कर दिया कि अब कांग्रेस पार्टी अभी भी कांग्रेस पार्टी परिवारवाद से समझौता नहीं करेगी। क्या ये है परिवारवाद? पी चिदम्बरम के भी बेटे घिरे हैं इस मामले में। देखिए 1998 से लेकर देखेंगे, अगर आप पार्टियां की बात करते हैं तो सेंट्रल पार्टियां में दो ही पार्टी हैं, बीजेपी और कांग्रेस। 1998 से लेकर 2019 तक बीजेपी के जो अध्यक्ष रहे हैं, मतलब पार्टी का जो मेन, उसमें 9 लोग हुए हैं, लेकिन कांग्रेस में क्या 98 के बाद एक ही बार चेंज किया गया जो कि राहुल गांधी किया गया, राहुल गांधी फिर सोनिया गांधी, जो कि इसमें 7 बार सोनिया गांधी खुद रही हैं, तो कहाँ से आप कह सकते हैं कि राम राजा इसमें, अब तो घरवाद चला रहे हैं ना इसमें। परिवारवाद से अभी भी समझौता नहीं किया जबकि पार्टी की ये है ही नहीं, कांग्रेस कभी कर भी नहीं सकती है। गांधीवाद उसमें है, शुरू से रहा है और शुरू से रहता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इनको हटा के बेटा को बनाएगा, बेटा को हटा के बेटी के साथ बनाएगा, अगली बार बेटी ही कमान संभालेगी, ऐसे ही होता रहेगा। परिवारवाद ये आप छुप रहे हैं? नहीं, ये तो देखिए पूर्णतः परिवारवाद है। उनके साथ जो भी पार्टियां जुड़ी हैं वो भी परिवारवाद से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि 98 से, जैसे इन्होंने जिक्र किया, 98 से लगातार एक ही परिवार का उस पर कब्जा है और भविष्य में भी लगभग इसी प्रकार का कब्जा रहेगा। भी राहुल गांधी होंगे, राहुल गांधी को हटाकर फिर प्रियंका गांधी होंगी, प्रियंका गांधी नहीं होंगी तो फिर राहुल गांधी को लाया जाएगा, ऐसी प्रक्रिया बार बार हमें देखने को मिलेगी। क्या कह रहे थे सर? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब कांग्रेस कांग्रेस के इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी थी तो उनके माइंड में सिर्फ सीधा डिवीजन था कि मेरा परिवार आने वाला पीढ़ी ही राज कर, इसलिए उसने कांग्रेस के पार्टी को तोड़ा और फिर अपना एक सत्ता स्थापित की। उसके बाद उन्होंने अपना ऐसा प्रचार किया कि सबसे बड़ा प्रभुत्व मेरा होना चाहिए, कांग्रेस का अध्यक्ष भी मैं बनूँ और प्रधानमंत्री भी मैं बनूँ। उसके बाद जो पीढ़ी दर पीढ़ी आता रहा है कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, उसके बाद सोनिया गांधी को इसका कमान से और राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगा, एक एक प्रकार से नाटकीय ढंग से उन्होंने अपना पद छोड़ा और कहा कि हम इस पद को नहीं लेंगे। फिर क्या हुआ कि उसके इंटरनल मैटर के तहत जो उनका यूपीए का एक संयुक्त यूपीए का एक कानून है कि उसके पास 20% वीटो का अधिकार उसके पार्टी में होता है। सबसे बड़ी बात है ये पार्टी में जब आप लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक रूप से यह कार्य करना चाहते हैं तो आप वीटो का अधिकार क्यों रखे हैं कि यूपीए का कोई भी आदमी होगा उसके 20% वोट जाएगा। दूसरी बड़ी बात है कि जब आपको यह नाटकीय ढंग करना क्या होता, या मीडिया में कवरेज लेना चाहते हैं कि या इस्तीफा दे दिया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। उनको दूसरे कोई सीनियर लीडर थे, उनको आना चाहिए था, एक शहजाद पुणे वाला है जो उन्हीं के पार्टी में विरोध करते हैं, लेकिन उनके विरोध को कोई जगह नहीं मिलता है। क्यों? किया तो शहजादे हैं, सबसे बड़ी बात यह शहजादे हैं, शहजादे के खिलाफ जो जाएगा उसको हटा दिया जाएगा। जो तहसीन पुणे वाला है वह भी सब विरोध करते हैं, इसका बहुत सारा विरोध आ रहा है। आप लोग विधि के छात्र हैं, एक बात आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझते होंगे कि हमारा देश इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है और उसमें दोनों का, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का महत्व है, लेकिन जैसे जैसे बीजेपी एक तरीके से फिर से दूसरी बार सत्ता में आई, विपक्ष अब पूरी तरीके से शून्य है, इससे हम नकार नहीं सकते हैं और आप भी ये समझ रहे हैं। क्या एक के बाद ये जो चीज़ें हो रही हैं क्या कांग्रेस पार्टी को एक तरीके से गर्त में ला रही हैं और उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी उस पर ध्यान नहीं दे रही? देखिए पहली बात हमें कहना है, किसी भी लोकतांत्रिक देश को सत्ता पक्ष से अच्छा विपक्ष को होना जरूरी है, क्योंकि विपक्ष मजबूत रहेगा तभी सत्ता पक्ष हित में काम करेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। और कांग्रेस जो है कि पूर्ण रूप से अपना विपक्ष में रोल निभा ही नहीं रही है, पूर्ण रूप से असफल है, जो कि उनकी स्थिति दिन पर दिन दयनीय होती जा रही है। इससे हमारे देश के लिए खतरा आएगा, देखा जाएगा तो सिर्फ एक पार्टी रहेंगी, आप उनसे जवाबदेही ही नहीं कर पाएंगे तो आपको सही से पता ही नहीं चलेगा क्या है। इसलिए चाहिए कि कांग्रेस को विपक्ष मजबूत करे और आने वाले दिन में कोशिश करें कि हम पक्ष में आए, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप जितना भी पक्ष मजबूत करेंगे लोगों को भरोसा जीतेंगे, लेकिन भरोसा जीतने में पूर्ण रूप से असफल रही हैं। अभी देखिए क्या करते हैं इनके ऊपर, क्या कहेंगे, ये विपक्ष का गिरता हुआ स्तर एक तरीके से हमारे देश के लोकतंत्र पर भी खतरा है। देखिए जो हमारी राय है उसमें कांग्रेस अपने आप को एक विपक्ष का भी दर्जा नहीं रख पा रही है। विपक्ष के दर्जा होने के लिए वो जनताओं को भावनाओं को समझना चाहिए, जैसे आर्टिकल 370 है या ट्रिपल तलाक, तो मान लीजिए इंटरनल मैटर था, लेकिन जो अधीर रंजन चौधरी ने जो अभी बयान दिया संसद में कि ये यूएनओ के तहत 370 जो है यूएनओ डिसाइड करेगा, अनुच्छेद 370 को हटाने पर मतलब एक पार्टी की एक सुर में आवाज़ निकले उसके लिए मीटिंग करना पड़ा गुलाम नबी आज़ाद को, तो ये देखिए ये तो इस पर पूरी जानकारी मुझे नहीं है अभी, लेकिन अधीर रंजन चौधरी का जो मैंने बयान देखा
उस पर मैंने देखा कि मतलब वो एक तरह से देश के इंटरनल हाँ विवादित बहुत ज़्यादा विवादित बने देश के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा उन्होंने बताया जो कि पूरे देश ने उसको उस पर बहुत बड़ी वो शर्मनाक बात है। क्या कहेंगे एक तरीके से गिरता हुआ स्तर है विपक्ष का? देखिए सबसे बड़ी बात है एक आर के लक्ष्मण जो बहुत कार्टूनिस्ट थे महान कार्टूनिस्ट थे 1980 में उन्होंने एक कार्टूनिस्ट के जरिए बताया गया कि कांग्रेस को आप 50 साल बाद देखिएगा कि माइक्रोस्कोप में भी नजर नहीं आएगी। क्यों? कि उसकी विश्वसनीयता कम रही है। सबसे बड़ी बात है कि वह लोग का जो जनमानस का भावना का जो सवाल है वह लेकर खड़ा नहीं हो पाती। आप देखे होंगे कि लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी जब क्वेश्चन कर रहे थे माननीय गृह मंत्री से तो उन्होंने क्या पूछा कि आप पीओके को इंडिया का हिस्सा मानते कि नहीं। यह सबसे बड़ी बात है कि जिसके लिए हम लड़ रहे हैं पीओके इंडिया का हिस्सा था है इसके लिए यूएनओ में पंडित जवाहरलाल नेहरू विगत हम अभी नहीं माने कि पीओके हमारा हिस्सा नहीं है ऐसा होने चाहता। जो 24 कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ वो पीओके भारत का हिस्सा है वो एक अभिन्न अंग है और इसलिए हमारा लड़ाई जारी है। दूसरी बात है कि जो जनमानस का भावना उठाना चाहिए जो ग्राउंड लेवल पे वर्क होता है वह कांग्रेस में नहीं है। आप देखे हो यह कि 1982 में जब दो एमपी था बीजेपी का तो उन्होंने जनता के सवाल को मुखर रूप से उठाना शुरू किया और उनके बाद 15 दिन का भी सरकार बना तब आज इतनी बड़ी पार्टी बनी। सबसे बड़ी बात है कि आपके पास ग्राउंड लेवल पे जो कार्यकर्ता है वो जनता से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। आप सिर्फ पॉलिसी मैटर और एसी में बैठकर डिसाइड नहीं कर सकते कि जनता क्या करना चाहती है। जनता क्या करना चाहती है उसको देखने सबसे पहले आप सड़क पर जाइए और उसका क्या आमड़ा है। आज ऐसा नहीं है कि कांग्रेस बीजेपी सब जगह सही काम कर रहे जो उसका स्थानीय मुद्दा उसको लाइए। बिल्कुल तो धन्यवाद आप सभी लोगों का और आज देखना होगा कि क्या आता है न्यायालय का निर्णय। बने रहे हमारे चैनल पर फिर होगी मुलाकात। जय हिंद।